हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के इस सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर आज फिर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमारी बात होगी और वो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। बिलीव मी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटरव्यू रूम और नॉट इन इंटरव्यू रूम। यदि आप आगे इंटरफेस को समझना चाहते हैं तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, राइट? तो देखिए, आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब क्या, अभी तक हमने जितना भी जावा देखा, हमने जावा की इनबिल्ट मेथड्स को यूज किया है। लाइक मैंने आपको स्ट्रिंग क्लास की मल्टीपल मेथड बताई है, टू अपर केस मेथड, टू लोअर केस मेथड, लेंथ मेथड, ठीक है, एंड इक्वल्स मेथड, इक्वल्स इग्नोर केस। ये सारी मेथड रेडी मेथड्स है, मतलब आपने सिंपली ऑब्जेक्ट बनाया एंड यू कैन कॉल दिस मेथड और इन मेथड ने अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर दिया, राइट? लेकिन एक्चुअली जब हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो दो तरीके की मेथड होती है। जैसे होता है ना, मार्केट में दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि आप खरीद के लाएंगे और जैसे हैं वैसे आप इनको यूज करें, लाइक मोबाइल, लाइक पेन, लाइक वॉच, ये आपने परचेज की और वो जैसे हैं आप वैसे ही यूज कर रहे हैं, आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर रहे हैं, राइट? लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैरिज का कार्ड या कोई भी कार्ड, बर्थडे कार्ड, मैरिज कार्ड, तो वहां पर आप क्या करते हैं, कार्ड पे मैटर क्या लिखना है वो आप डिसाइड करते हैं। तो कार्ड कंपनी का होता है, एनवलप कंपनी का होता है, लेकिन मैटर आपका होता है। तो ये कहलाती है नॉन कस्टमाइज मेथड्स या नॉन कस्टमाइज प्रोडक्ट, राइट? तो ऐसी ही कुछ मेथड यहां पर हम जावा में आज डिस्कस करने वाले हैं कि हमने रेडी मेथड तो बहुत सारी देखी है, लेकिन यदि मान लीजिए हम बात करते हैं ऐसी मेथड की जो मेथड जावा की है लेकिन उसमें कोड आपको अपना लिखना है, क्योंकि अभी आगे ऐसी बहुत सी मेथड आपको मिलने वाली है कि जिनमें आप अपना कोड लिखोगे, लेकिन वो मेथड एक्चुअली किसकी होंगी, डेवलपर की। तो जावा की मेथड में हम हमारे कोड कैसे लिखेंगे, तो यहां पर इन मेथड को जावा आपको कैसे देगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट वो मेथड होती है जिनकी डेफिनेशन नहीं होती है, जिनको डिफाइन प्रोग्रामर अपने हिसाब से करता है कि मुझे उसमें क्या लिखना है वो मैं डिसाइड करूंगा, लेकिन मेथड वो डेवलपर की होगी। तो यहां पर कॉन्सेप्ट को समझिए, इंप्लीमेंटेशन तो आपको आगे नो डाउट जाके समझ में आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि टॉप मोस्ट एमएनसीज में पूछे गए हैं और जो आपको टेक विद्वान की साइट पे मिलने वाले हैं, जहां पर हमने हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में इस पूरे टॉपिक के क्विजेज, असाइनमेंट्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिटेल में रेडी किया हुआ है। तो आप एक बार उस पूरे कोर्स को जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस टॉप मोस्ट एमएनसी में पूछे गए हैं एब्स्ट्रैक्शन को लेके। तो यहां पर अब आप देखें एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब क्या है या मेथड मतलब क्या, तो मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। देखिए, एक मेथड को जब यूजर मल्टीपल टाइप से डिफाइन करता है, जैसे मन बोलते हैं ना, एरिया रेक्टेंगल का भी होता है, एरिया सर्कल का भी होता है, लेकिन दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो यदि मैं चाहता हूं कि सर ये रन टाइम पे डिसाइड हो कि एरिया कौन सा कैलकुलेट करना है, तो देखिए मैंने क्या किया, एक एरिया नाम की क्लास बनाई और इस एरिया नाम की क्लास में एक मेथड भी बना ली, मेथड के भी नाम मैंने एरिया रख दिया, ठीक है, मतलब स्मॉल ए के साथ। लेकिन अब इस मेथड को मैं चाहता हूं कि बॉस इस मेथड का यहां पर केवल डिक्लेरेशन हो, इसको यूजर अपने हिसाब से डिफाइन करे कि उसको किस एरिया को कैलकुलेट करना है, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना चाहता है, वो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना चाहता है, या कोई और तीसरा एरिया कैलकुलेट करना चाहता है। तो मेथड यहां पर डेवलपर की है लेकिन इसमें कोड प्रोग्रामर अपने हिसाब से लिखेगा। इस छोटे से एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करो कि जावा में आगे, जैसे फॉर एग्जांपल जो मेथड मिलेंगे, लाइक बटन, अब बटन में क्लिक मेथड है तो क्लिक पे क्या करना है तो हम डिसाइड करेंगे ना, तो बटन क्लास जावा की होगी, क्लिक मेथड उसकी होगी, लेकिन उस मेथड में क्या लिखना है वो हम डिसाइड करेंगे। तो वहां पर ये मेथड आपको कैसी मिलने वाली है, इस मेथड के आगे मैंने क्या लिख दिया, एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट वो मेथड होती है जिनकी खुद की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, इनको अब आगे फर्दर हम डिफाइन करेंगे, लेकिन डिफाइन करेंगे कैसे ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि यदि किसी क्लास में आपने किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाया है तो वो केवल और केवल तब पॉसिबल है जब वो क्लास खुद कैसी क्लास होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट वो क्लासेस होती हैं जिनमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, और एब्स्ट्रैक्ट वो क्लासेस होती हैं जिनके ऑब्जेक्ट कभी भी डिफाइन नहीं होते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्यों नहीं डिफाइन होंगे, अरे जब मैंने मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनाई है तो मैं डायरेक्टली इसको तो कॉल करूंगा नहीं ना, क्योंकि इसकी तो डेफिनेशन ही नहीं है। तो आप देखिए इंटरव्यू क्वेश्चन में एक एग्जांपल बताता हूं कैसे घुमा के पूछते हैं, विच इज अ क्लास हुज हैज अ रिलेशनशिप इज नॉट पॉसिबल। हैज अ रिलेशनशिप समझ रहे ना, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर्स में,
कि जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप मेथड को एक्सेस करते हैं तो वो हैज़ अ रिलेशनशिप कहलाता है। तो ऐसी कौन सी क्लास है जिसकी हैज़ अ रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ऐसे क्विजेस के क्वेश्चन आपको हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में मिलने वाले हैं। ये मैंने एक एग्जांपल अभी आपको दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? विच इज अ क्लास विच इज अ रिलेशनशिप इज कंपलसरी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्योंकि इसको अगर आपको ओवरराइड करना है तो आप क्या करोगे? देखो, आप दो अलग अलग कोड हम इस एक ही मेथड में कैसे लिखेंगे? अगर मुझे सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा? क्लास सर्कल एक्सटेंड्स एरिया। मैंने क्लास सर्कल को एक्सटेंड किया किससे? एरिया से, राइट। और इस सर्कल क्लास में हमने कंपलसरी इस मेथड को ओवरराइड किया, वॉइड एरिया, और यहां पर मैंने कोड लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल का, फॉर एग्जांपल फ्लोट आर कॉमा पाई, ठीक है, कॉमा ए, ठीक है। और यहां पर पाई ना भी लिखे तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ए, और ए इक्वल टू आर की वैल्यू में फिक्स कर देता हूं, मान लीजिए 12.19 जो कि हमारा रेडियस होगा, और ये मैंने लिख दिया ए इक्वल टू 3.14 into r। आप समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट समझो बच्चे, कॉन्सेप्ट समझो कि मेथड अनडिफाइंड है, इसको मैंने अपने हिसाब से ओवरराइड कर दिया, तो इसका मतलब है एब्स्ट्रैक्ट मेथड की ओवरराइडिंग कंपलसरी करना होती है। यदि आपने अपनी किसी क्लास को एक्सटेंड किया है किसी ऐसी क्लास से जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, सो कंपलसरी आपको उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मेथड को यहां पे ओवरराइड करना पड़ेगा। यदि यहां चार मेथड एब्स्ट्रैक्ट हैं तो आपको चारों को ओवरराइड करना पड़ेगा, भले ही जरूरत ना हो लेकिन ओवरराइड आपको करना पड़ेगा। बात समझना, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई, लेकिन अब यूजर चाह रहा है कि सर मुझे एक्चुअली एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है इसी एरिया मेथड में। तो आप देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूं ताकि आपको एक ही पेज पे पूरा कोड दिख जाए, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, ये तो क्लास हमारी सर्कल हो गई, लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या कोड लिखा, फिर से मैंने एक और क्लास बनाई, क्लास अगेन रेक्ट के नाम से, रेक्ट शॉर्ट फॉर्म रख देता हूं। इसको भी आपने एक्सटेंड किया, किससे एक्सटेंड किया हमने? इसी एरिया से, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब इस क्लास में हमने कोड लिख दिया void, कौन सी मेथड है हमारी, void area, क्योंकि कंपलसरी मुझे ओवरराइड करना है। लेकिन यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने इसको डबल ले लो, फ्लोट की बजाय वेरिएबल डबल ले लो, नहीं तो f लगाना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। यहां पर मैंने डबल ले लिया, और डबल में आपने दो वेरिएबल ले लिए l और w, और दोनों की कोई ना कोई वैल्यू दे दी, l इक्वल टू सपोज 20.13, w इक्वल टू सपोज 10.19, और ये आपने कैलकुलेट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट l इंटू w, लेंथ इंटू विड्थ, और ये आपका कैलकुलेट हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप देख रहे हैं सेम मेथड को मैंने यहां भी ओवरराइड किया है, और सेम मेथड को मैंने यहां भी ओवरराइड किया हुआ है, बिकॉज नाउ दिस बोथ क्लासेज आर एक्सटेंडेड बाय अ क्लास विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट वो क्लास होती है जिनकी मेथड को हमें ओवरराइड करना होता है हमारे हिसाब से अपनी डिराइव्ड क्लासेज में। लेकिन अब इनकी कॉलिंग कैसे होगी, ये भी समझने वाली बात है। इसी को बोलते हैं बेटा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कि ये रन टाइम पे डिसाइड होगा कि एरिया मेथड ये कॉल होगी या ये कॉल होगी। अक्सर एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय लूजली कपल्ड एप्लीकेशन, लूजली कपल्ड टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन क्या होती है? तो आप समझो बात को, कि जो हम बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि प्लेसमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये आपको समझ में आएगा हमारे प्रीमियम कोर्स में, कि इज अ रिलेशनशिप, हैज अ रिलेशनशिप, टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन, लूजली कपल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहां पर जो एप्लीकेशन हम बनाते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज कॉल्ड अ लूजली कपल्ड एप्लीकेशन, क्योंकि ये रन टाइम पे डिसीजन होगा कि एरिया कौन सा कॉल होगा। देखिए आप, अब मैं यहां पर अगर इसी को थोड़ा सा और शॉर्ट करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप एक ही पेज पे पूरा कोड देख लें, तो इसको मैं बिल्कुल साइड में कर देता हूं, और यहां पर अब मैं और थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है, और छोटा कर देते हैं। तो देखिए ये मेरी क्लास रेडी हो गई। अब मैंने क्या किया, इसकी कॉलिंग की बात करना है, तो अब मैंने अपना मेन मेथड बनाई क्लास टेस्ट, और इस क्लास टेस्ट में हमने क्या लिख दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब सुनना, ध्यान से समझना इसको, कि रन टाइम पे हम कैसे डिसाइड करते हैं, लिख देना स्ट्रिंग args, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया था, ठीक है। अब ये रन टाइम पे कैसे डिसाइड होगा, तो हमेशा ध्यान रखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हमेशा डिक्लेयर होता है, इट इज अ डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट, और ये रेफरेंस बनता है उन क्लासेस का जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से एक्सटेंडेड है। तो मैं डिक्लेयर किसका ऑब्जेक्ट करूंगा, एरिया का, तो मैंने लिखा एरिया A1। लेकिन ये ध्यान देना, गलती से भी है ये मत लिख देना न्यू एरिया, क्योंकि ये एरर आ जाएगी, यू आर नॉट अलाउड टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास।
आप केवल एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, बट आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अरे उसमें तो मेथड ही एब्स्ट्रैक्ट है ना, उसको कैसे कॉल करोगे। तो हम ये चाहते हैं इसकी कॉलिंग पे या तो ये कॉल हो या ये कॉल हो। तो आप देखो क्या लिखूंगा मैं, एरिया ए वन इक्वल टू न्यू सर्कल, एरिया ए वन इक्वल टू न्यू सर्कल। और अब अगर मैंने लिखा ए वन डॉट एरिया, तो आप देखो यही एरिया मेथड कॉल करेगी सर्कल का एरिया। मतलब एरिया ऑब्जेक्ट है, एरिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, लेकिन मेथड कॉल कर रहा है वो सर्कल की। तो समझ में क्या हुआ, क्योंकि ये रेफरेंस बना है सर्कल का, इसलिए इसने सर्कल की मेथड कॉल कर ली। और यदि आप देखिए मैं बाउंडेड कैसे नहीं हूं, यदि मान लीजिए मैं न्यू सर्कल की जगह चेंज करके लिख दूं न्यू रेक्ट, तो अब मेथड किसकी कॉल होना शुरू हो जाएगी, इसकी। ये होती है लूजली कपल्ड एप्लीकेशन, जहां पर आप किसी पर्टिकुलर क्लास से बाउंडेड नहीं है। आप सोचिए ना, आपने अगर अपने पूरे एप्लीकेशन में 50 जगह एरिया कॉल किया है, सपोज एरिया ऑफ सर्कल, या आपने 50 जगह कॉल किया है ना, क्योंकि जब एक प्रोजेक्ट बनता है, तो आप इस एग्जाम्पल से समझो यार मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मान लीजिए प्रोजेक्ट में आपने 10,000 लाइन ऑफ कोड लिखा, अब 10,000 लाइन ऑफ कोड में आपने एरिया 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 सर्कल का कॉल किया है, हर जगह आपने कम से कम 5,000 जगह आपने ये कोड लिखा हुआ है। अब अगर आपको बोला नहीं एरिया ऑफ सर्कल नहीं रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है, तो रादर देन चेंजिंग दिस 5,000 लाइन, आपको एक लाइन बदलना है, एरिया ऑफ न्यू सर्कल के बजाय क्या लिख दो है, न्यू रेक्ट। तो जैसे ही आप रेक्ट लिखोगे, ये सारा करेक्शन आपका, ये सारा एरिया किसके लिए चालू हो जाएगा, रेक्टेंगल के लिए। ये होती है लूजली कपल्ड एप्लीकेशन, और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मैंने अपने प्लेसमेंट रेडी कोर्स में कवर किए हुए हैं, जो कि असाइनमेंट्स हैं, क्विजेज हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। ये तो मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि बॉस व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड हाउ टू अचीव एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को कैसे अचीव किया जाता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा इजी रिलेशनशिप में वर्क करेगी। ओके, तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको यह समझ में आया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का मीनिंग क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, आप मैं और बताता हूं कि सपोज करिए अगर एक बटन बनाता हूं, मैं क्लास बनाता हूं बटन के नाम से। अब इस बटन नाम की क्लास में क्या है, ये क्लास है जिसमें क्लिक नाम की मेथड है, लेकिन इस क्लिक मेथड को आप क्या चाहते हैं, अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करना है। कि मैं चाहता हूं मेरा कलर चेंज हो, तो मैं एक माय कलर नाम की क्लास बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मुझे फोटो शो करनी है, तो माय फोटो नाम की क्लास बनाऊंगा। मेरे को चाहिए कि इस पर मुझे कोई और तीसरा काम करना है, तो मैं यहां पर एक तीसरी क्लास बनाऊंगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, अपनी क्लासेस को एक्सटेंड कर लूंगा इस बटन क्लास से, है ना। इस एग्जाम्पल को आप, ये मिलेगा आपको हमारे कोर्स में जो कि मैंने आपको बोला है। इस बटन क्लास को मैं एक्सटेंड करूंगा, इन तीनों क्लासेस को एक्सटेंड करूंगा बटन से, और क्लिक मेथड को यहां भी ओवरराइड करेंगे लेकिन कलर चेंज करने के लिए, क्लिक मेथड को यहां ओवरराइड करेंगे लेकिन फोटो चेंज करने के लिए, क्लिक मेथड को यहां ओवरराइड करेंगे किसी तीसरे पर्पस के लिए। तो एक ही मेथड में हम मल्टीपल कोड लिख रहे हैं कि बटन के क्लिक करने पर आपको क्या करना है वो आप डिसाइड कर लो। मैं बाउंडेड नहीं हूं, दैट इज कॉल्ड अ लूजली कपल्ड एप्लीकेशन। तो आई होप ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इंटरव्यू रूम का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है। व्हाट डू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास, व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इंटरफेस क्यों हम यूज करते हैं व्हेन वी ऑलरेडी हैव एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब अभी हम इंटरफेस पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे इंटरफेस इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो बिल्कुल आगे वो भी बात करेंगे, डोंट वरी। लेकिन आई होप इस एग्जाम्पल के साथ आपने कॉन्सेप्ट समझा है। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे ही टॉपिक्स पे बातचीत हमारी जारी रहेगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।